वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और खुशहाल होंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं किचन को साफ़ करती हूँ रात में, मतलब कि नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी बना रही हूँ डिनर के लिए सब्जी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मटर की दाल। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने जो है दाल वॉश करके अच्छे से भिगो के रख दी थी। आप कभी भी कुछ भी दाल बनाते हैं तो आप उसे पहले ही कम से कम 1-2 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे, तो उससे आपका कुकिंग प्रोसेस भी कम होगा और दाल अच्छी भी बनेगी। तो अभी मैं यहाँ पे जो है चॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। तो साथ ही साथ लगातार कई काम जो हैं वो चलते रहते हैं, कि जैसे कि अभी मेरी यहाँ पे चॉपिंग हो चुकी है, मैंने दाल अच्छे से चढ़ा दी है, और अभी जितने भी बर्तन हुए थे जो कि चाय के थे, कुछ शाम को जो भी टी टाइम स्नैक में कुछ भी जो भी खाया, और जो सब्जी बनाने में जितने भी बर्तन यूज़ हुए हैं, मतलब कि जैसे कुकर तो भी है लेकिन जो चॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी बर्तन होते ही हैं, तो मैं साथ ही साथ क्या करूँगी, इन्हें वॉश करके भी रख दूँगी। क्योंकि जो आप देख सकते हैं मेरा ये जो सिंक है, जो किचन में सिंक है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा भी है कि यहाँ पे जो सिंक होते हैं वो छोटे होते हैं। तो जो छोटे होते हैं तो उसमें क्या आप ज़्यादा बर्तन एक साथ इकट्ठे करके रख नहीं सकते हैं, आपको उन्हें फटाफट हाथों हाथ ही धोना होता है, उसके बाद ही हम उसमें कोई बर्तन वगैरह जो वापस होंगे उसे रख सकते हैं। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी बर्तन हैं उन्हें अच्छे से पहले मैं पानी से एक बार जैसे धो देती हूँ, ताकि इसमें जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो सारी इसमें से निकल जाए। उसके बाद पानी से अच्छे से धो के मैं इसमें डिटर्जेंट लगा देती हूँ, अच्छे से धो देती हूँ। उसके बाद सारों को पानी से एक बार वॉश कर दूँगी। और ये चॉपर की जो आप ब्लेड साफ़ करें उसे आप हमेशा ध्यान से साफ़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धार होती है। एक बार ऐसा ही हुआ था, मेरा हाथ हल्का सा कट भी गया था उससे। और ये है चाय का बर्तन। चाय का बर्तन साफ़ करने में सच में बहुत जोर आता है। एक तो ये मेरा स्टील का भी है, ये मैं इंडिया से ही लेके आई थी, ये चाय वाला बनाने का चायदान बोलते हैं हम तो इसे। तो ये इसमें आजकल क्या होता है कि क्योंकि इसमें नीचे सबका इसका कॉपर जो है हट चुका है, तो इसमें चाय वगैरह भी ज़्यादा चिपक सी जाती है। मैं हाथों हाथ ही जो तो इसे पानी इसमें डाल मतलब सिंक में रख देती हूँ पानी डाल के, ताकि गल जाए, बट फिर भी वो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। साथ ही मैं थोड़ा सा सिंक भी क्लीन सा कर दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा टाइडी एंड क्लीन रहे मतलब सिंक। अब जो डिनर है वो अच्छे से हो चुका है, हम लोगों ने खाना खा लिया है। उसके बाद आप किचन की हालत देख सकते हैं, ये कैसे सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं, तवा रखा हुआ है, और मतलब कि जो भी यूज़ होते हैं सामान वो थोड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। मैं मोस्टली थोड़ा बहुत तो मैं जैसे कि जो चकला बेलन है, परात वगैरह है, वो मैं थोड़ा सा पहले ही क्लीन वगैरह करके रखती है मैंने यहाँ पर। आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा खाना बना था उसके बाद मैंने थोड़े से इन सब चीज़ों को क्लीन करके रख दिया था। तो अब आते हैं हम सफाई की ओर। तो पहले मैं जो है ये जो तवा वगैरह है उसे मैं रख दूँगी सिंक में अच्छे से, ताकि थोड़ा सा गल जाए। और ये मैं जो चकला है उसके नीचे कपड़ा लगाती हूँ, ताकि जो भी आटा वगैरह है वो सब कपड़े पे गिरे, तो उसे भी मैं वॉश करके अच्छे से रख दूँगी। अब बारी आती है किचन को साफ करने की। तो ये है माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये मैंने 4-5 ले रखे हैं। और ये है किचन क्लीनर, ये फ्लैश का किचन क्लीनर है, आप एस्टोनिश का भी ले सकते हैं। तो इस माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है ये थोड़ा सा मैंने गीला कर रखा है, इसमें अब हम जो है ये स्प्रे करते जाएंगे। और इस क्लॉथ से आराम से, ये क्लॉथ मैं हाईली आपको रिकमेंड करती हूँ, और मैं जो भी फूड बचता है उसे अच्छे से डब्बे में पैक करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जैसे कि कई बार क्या होता है कोई आटा वगैरह भी बच जाता है, इसके बाद जो भी सामान स्लैब पे होते हैं मैं उसे भी अच्छे से अपनी जगह पे रख देती हूँ जहाँ पे वो थे,
उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, किचन क्लीनर से अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ मैं। इसके बाद इस कपड़े से साफ करती जाती हूँ। ये कपड़ा ट्रस्ट में गाइस, आप ज़रूर, अगर आपके पास नॉर्मल कपड़ा है तो आप ये वाला कपड़ा ट्राई कीजिएगा। माइक्रो फाइबर क्लॉथ बोलते हैं इसे, बहुत ही अच्छे क्लॉथ होते हैं और साफ बहुत अच्छा होता है। अब आप देख सकते हैं जो ये गैस स्टोव है, मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं पहले, मैंने जो दोनों वो थे वो मैंने निकाल दिए, इसके बाद सारे मैं अच्छे से किचन स्प्रे जो है उसे स्प्रे कर रही हूँ और इसे साफ कर रही हूँ। आपका जो गैस वगैरह है उसे आप हमेशा साफ करके रखें, क्योंकि हम उस पर ही खाना वगैरह बनाते हैं, उसे क्लीन नहीं करेंगे तो अनहाइजीनिक लगेगा। उसे आप साफ करके रखेंगे तो क्रोच वगैरह ना कुछ भी होगा। और वैसे ही जहाँ मैं, क्योंकि आपको पता ही होगा मैं यूके में रहती हूँ, तो यहाँ पे कॉकरोच या मच्छर मक्खी वगैरह बहुत, मतलब कि है ही नहीं, मैंने तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो मैं इसे अच्छे से साफ़ कर दूंगी, साथ ही मैं जो सामने वाली वॉल है, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि हम खाना वगैरह बनाते हैं तो सब्जी वगैरह के जो छींटे हैं वो भी इस पे लग जाते हैं, उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसे मैंने चार का पैक आता है ये, वो मैंने ले रखा है। मैंने ये जो है पाउंड लेना था और ये 1 पाउंड 4 क्लॉथ मुझे मिले थे। इसके बाद जो गैस के ऊपर ये जो रखा था उसको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, मतलब कि मैं ऐसे ही कपड़े से इसे साफ कर दूंगी। और ये जो गोल गोल ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, इसे मैं कई बार पानी से भी वॉश कर देती हूँ जब ज़्यादा गंदा दिखता है तो, अदरवाइज मैं ऐसे भी रहने देती हूँ। इसके बाद हमारा गैस स्टोव साफ हो गया, स्लैब अच्छे से साफ हो गया है। इसके बाद जो थोड़े से बर्तन बचे थे, जैसे कि ये है तवा और चिमटा वगैरह, मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जैसा मैंने आपको बताया, जो बाकी के बर्तन थे वो मैंने पहले ही क्लीन कर लिए थे, जैसे चकला हो गया, बेलन हो गया, खाने के थोड़े बहुत, क्योंकि हम दो लोग हैं तो 2 प्लेटें ही होती हैं, प्लेट और कटोरी, वो मैंने वॉश कर ली थी। इसके बाद सारे बर्तन, और मैं हमेशा रात को सारे बर्तन क्लीन करके ही सोती हूँ, दिन में भी सुबह भी, जैसे ही हमारा लंच हुआ वो भी मैं बर्तन क्लीन करके ही, जो भी मुझे आराम करना होता है वो सब मैं उसके बाद ही करती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि बहुत देर तक बर्तन पड़े रहने नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे आपका किचन अनटाइडी भी लगता है और अजीब सा, मतलब वो काम करने का ही मन नहीं लगता है। इसके बाद जो ये कपड़ा था, इसे मैं अच्छे से एक बार पानी से वॉश कर लूँगी। और जो ये हमारा टैब है, इसमें गर्म और ठंडा दोनों पानी आता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है गर्म पानी से आप ऐसे कपड़े वगैरह साफ करते हैं। तो अब मैं सारे बर्तन साफ होने के बाद जो सिंक है, इसे भी एक बार जो डिश वॉशर वाला लिक्विड था वो मैं डाल दूँगी, और ये जो जाला है स्टील का, इससे अच्छे से इसे वॉश कर दूँगी, मतलब सिंक को। और अब बारी आती है ये कपड़े की, इसको मैं एक बार अच्छे से सिंक को पहुँच के इसमें मैं जो डिशवॉशर लिक्विड है इसको मैं डाल दूंगी और इसे एक बार रगड़ लूंगी, ताकि ये हाथों हाथ ही साफ हो जाता है। मैं डेली ही यही काम रात में ऐसा करके इसे सुखाने के लिए रख देती हूँ, सुबह ये बिल्कुल क्लीन रहता है। और 2-3 दिन एक कपड़े को यूज़ करती हूँ, फिर 2-3 दिन बाद दूसरे कपड़े को यूज़ करती हूँ, इसे मशीन में वॉश कर लेती हूँ। तो आपने देखा, गर्म पानी से मैंने इसे साफ कर लिया, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया मेरे टैब में गर्म और ठंडा दोनों पानी आता है। अब मैं अच्छे से हाथ वॉश कर लूँगी, हैंड वॉश कर लूँगी ये हैंड वॉश से। उसके बाद आप देख सकते हैं सारा किचन एकदम क्लीन हो चुका है, बर्तन पूरे साफ हो चुके हैं, सामान मैंने पूरे अच्छे से जो बचा था रात का वो डब्बे में पैक करके अच्छे से रख दिया है, किचन क्लीनर को मैंने रख दिया है अंदर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो किचन क्लीनिंग रूटीन है वो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपने उससे शेयर कर सकते हैं। और ये किचन जो है, ये मिक्सर वगैरह मैंने थोड़ा ऊपर ही रख रखा है, क्योंकि किचन मेरा थोड़ा छोटा है तो इसलिए ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें इतना, इसलिए। और ये मैंने, क्योंकि कल रात को मैंने कुछ बनाया था ऑयल में, तो मैंने कटोरी में रख के मैं उसे ढक के रख देती ताकि अगले दिन वो यूज़ हो जाए, बाकी ज़्यादा दिन के लिए मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा।